हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपको फिर से हमारी एक नई वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है। गवर्नमेंट जॉब निकली है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट के अंदर, जो है उसके अंदर कुछ वैकेंसीज निकली हैं, जिनकी टोटल पोस्ट टोटल वैकेंसी है 1978, मतलब 1978 वैकेंसी टोटल निकली हुई है। वो वैकेंसी किस किस बेस पे है और उस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे स्टेप बाई स्टेप। सो गाइस, उससे एक छोटी सी पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं देता रहता हूँ मेरा से नॉर्मली वेबसाइट ब्लॉग रिगार्डिंग या फिर गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब रिगार्डिंग उसको हाउ टू अप्लाई, ऐसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले वॉच करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो गाइस, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस वीडियो में सिंपल बता देता हूँ, इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको कैसे रजिस्टर्ड करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर और कितनी वैकेंसी है और जो आपकी क्वालिफिकेशन जो आपका एलिजिबिलिटी होगी आप उस हिसाब से कैसे अप्लाई करें, क्या टर्म कंडीशन रहेंगी। सो गाइस, चलिए करते हैं शुरू। सो मैं पहुंचता हूं एक ऑनलाइन जॉब प्रोवाइडर वेबसाइट पे और मैं यूट्यूब के टैब कर देता हूं क्लोज, तो आपको कहीं नहीं जाना। इनकेस आप न्यू हो तो आपको लेफ्ट साइड जॉब ऑप्शन पे क्लिक करना है और गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक कर देना है। वहाँ भी नहीं या फिर फर्स्ट पोस्ट हमारी ऑलरेडी शो हो ही रही है, BFUHS मतलब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट। सो यहाँ पे देखो, जो टोटल वैकेंसी जो बताई गई हैं 1978 पोस्ट अवेलेबल डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर की नहीं है बल्कि बहुत सारी पोस्ट है, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो सबसे पहले तो देखो आता है पोस्ट डेट, ये तो आज की पोस्ट है, मतलब आज ही पोस्ट हुई है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जो प्रोवाइडर की। और जो इम्पोर्टेंट डेट है मतलब इसकी अप्लाई करने की डेट है वो ऑलरेडी हो चुकी है 6/5/2020। उसकी जो लास्ट डेट होगी ऑनलाइन अप्लाई करने वो होगी 11/5। लास्ट डेट को आप माइंड में रख के अप्लाई कर सकते हो। सो एंड आगे आ जाए वैकेंसी डिटेल विद पोस्ट, इसके अंदर ये 15 पोस्ट हैं, मतलब 15 वैकेंसी हैं टोटल, जो कि हैं रिसर्च साइंटिस्ट मेडिकल स्टाफ के अंदर 28 पोस्ट हैं, रिसर्च साइंटिस्ट नॉन मेडिकल स्टाफ 3 पोस्ट, रिसर्च असिस्टेंट पोस्ट 1, लैब टेक्नीशियंस पोस्ट 58, लैब अटेंडेंट जो लैब अटेंडेंट होते हैं हेल्पर भी कह सकते हैं, जो हेल्प करते हैं अंडर डॉक्टर साइंटिस्ट की, तो उनकी जो पोस्ट है वो 36 निकले हुई हैं। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जो डाटा इंटरप्रेटर एग्जांपल बिलिंग वगैरह करते हैं, जो डाटा मेन होते हैं मतलब पास वगैरह बना जो भी, उनकी जो वैकेंसी वो 26 पोस्ट निकले हुए, स्वीपर की जो है 18 पोस्ट निकली हुई हैं। और जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी 76 पोस्ट हैं जो निकली हुई है, और जो डॉक्टर नॉन स्पेशलिस्ट होते हैं और जो नॉन स्पेशलिस्ट उनकी जो पोस्ट है 60 पोस्ट निकली हुई है। और जो स्टाफ की नर्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, जिसकी है 985। सो ऐसे अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो ऐसे कुछ आप डिटेल वाइज एक बार यहाँ से पढ़ लेना। वैसे मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको बताऊँ कि कैसे अप्लाई करना और कैसे रजिस्टर करना है। सो गाइस, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सो यहाँ पे देखो, जो नोटिफिकेशन है मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूँ कि आप डायरेक्ट अप्लाई मत करो, आपको क्या करना है पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है। नोटिफिकेशन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कौन सी जो पोस्ट होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और क्या उसकी एलिजिबिलिटी होगी, इसके बारे में ए टू जेड एक PDF फाइल बन के तैयार हो जाएगी। मैं अभी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, अभी पेज ओपन होएगा और मैं दूसरी साइट खोल लेता हूँ जहाँ से हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो मैं आपका ध्यान से मैंने लेंगे, तो ये खुल चुका है न्यू रजिस्ट्रेशन करने का टैब और ये है नोटिफिकेशन। मेरे पास थोड़ा इंटरनेट सर्वर स्लो है तो आप समय निकाल कर पहले नोटिफिकेशन को रीड करें फिर आप अप्लाई करें। सो मैं ये टैब कर देता हूँ क्लोज। सो मैं हूँ एग्जांपल वहाँ पे, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, तो मैं करता हूँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक। बट यहाँ पे कुछ आपको उसके चार्ज देने होंगे, एग्जांपल जैसे कि इन्होंने लिख रखा है फर्स्ट स्टेप फिल फॉर्म, अपलोड फोटो सिग्नेचर कैंडिडेट, लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड एडमिट कार्ड,
एंड इनकी जो टर्म कंडीशन है उसको आप अप्लाई करते हो, उनको अप्रूव करते हो। सो यहाँ पे आपको सिलेक्ट पोस्ट चूज़ करनी है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जो मैंने पोस्ट उधर बताई थी वो पोस्ट इधर है। एग्जांपल माय क्वालिफिकेशन इज़ ग्रेजुएशन बट मैं डाटा एंट्री के लिए एलिजिबल हूँ, तो मतलब मैं एलिजिबल हूँ तो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर वार्ड के अंदर। वार्ड के अंदर गया, यहाँ पर अपना सिलेक्ट हो गया और कैंडिडेट नेम, वैसे मेरा गुड नेम शुभम कुमार है और ये मेरा एड्रेस आ गया है। और यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी ऑफ पोस्ट SC BC जो भी होगी, बट आपका आपको यहाँ पे फिल करना है नोटिफिकेशन के हिसाब से। तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको पहले नोटिफिकेशन रीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा BC है तो मैं पे BC भर देता हूँ, बट ये इन्होंने फीस बता रखी कि BC की जो फीस इंक्लूड GST 1118 रुपीज़ होगी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेरी ऑलरेडी है 20 अक्टूबर 1996। माय फादर नेम इज़ नरेश कुमार एंड एम मेल। यहाँ पे आएगा 24 इज़ माय एज एंड इट्स माय एड्रेस। और यहाँ पे आपको एड्रेस मेरे ऑलरेडी फिल कर रखा है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए। सॉरी, तो यहाँ पे मेरा एड्रेस फिल हो गया, तहसील डेरा बसी मोहाली पंजाब। यहाँ पे लिखूँगा मैं मोहाली पंजाब। सो मेरा हो चुका है। यहाँ पे आएगा मेरा आधार कार्ड नंबर जो कि मेरा ऑलरेडी याद है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया अपना आधार कार्ड नंबर। और ये आएगा डोमिनिकन स्टेट पंजाब, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। और ये मेरा फ़ोन नंबर जो कि मेरा बंद है, इसे आप ट्राई करोगे तो वो भी ये नहीं लगेगा। तो ये मेरी ऑफिशियल ईमेल है, तो मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल भर दी। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन बस मेरी ग्रेजुएशन, चलो मैं प्लस टू भर देता हूँ यहाँ पर। प्लस टू नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, वेट ये कहाँ चला गया, आई थिंक ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है प्लस टू। तो मैं जैसे ही याद करूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐसे, और टोटल मार्क्स 450। वैसे क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं इतना वैल्यूकेशन नहीं हूँ, मतलब ग्रेजुएशन नहीं है बस मेरी। पासिंग ईयर 2015 सेलेक्टेड अटेम्प्ट 1। तो यहाँ से जो पूछा जा रहा है कि पास सीनियर सेकेंडरी पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब जहाँ से आपने प्लस टू टेंथ जो भी आपने ग्रेजुएशन वगैरह की, क्या वो एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से हुई है, तो हम उसे यस करेंगे। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड एंड नेशनली इंडियंस पास्ट पंजाबी लैंग्वेज अप टू मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड, मतलब आपकी जो टेंथ है वो क्या आप उस समय से अब तक पंजाबी में हो, वो आपके उस पर डिपेंड है कि आप किस कैटेगरी के अंदर थे, हिंदी पंजाबी इंग्लिश मीडियम के अंदर थे मीडियम। सो मैं पंजाबी था स्टार्टिंग इंग्लिश था, उसके बाद पंजाबी हो गया था। आर यू गवर्नमेंट सर्विस, नाउ यू आर इंफॉर्मेशन यू डिपार्टमेंट, you have informed to your department, yes, ex serviceman, no, you have PPSC and you have the state government department, no, you have been criminal case chala koi aapke upar to no, excellent karna hai criminal case was registered against you, no, to itna sab kuch karne ke baad save pe click kare, jaise save ke upar click kare to yahan pe ek challan generate hoega aur aapke paas jo aapne contact number dala hai uske paas ek OTP jayega और उसी के अंदर ईमेल और आपका पासवर्ड वहाँ पे लिखा होएगा। और ये इन्होंने एक चलान टाइप है कि आप ये चलान फिल कर दो, अगर आप फिल कर जाए तो आपके ऊपर डिपेंड है, नहीं तो आप सीधा डायरेक्ट जो आपके पास ईमेल और पासवर्ड है वो यहाँ पे डालें और यहाँ पे जो पासवर्ड आएगा वो डालें, उसे रजिस्ट्रेशन कर दें एंड फीस को पे कर दें। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा फ़ोटो अपलोड, फीस वेरिफिकेशन, लॉक एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन। जैसे आपके चार स्टेप और कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। सो ऐसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके फ्यू डेज अकॉर्डिंग टू रूल्स जो भी एडमिट कार्ड की डेट होएगी वो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर हम शो कर देंगे। तो अगर आपको लेटर्स न्यूज़ अपने ईमेल्स वगैरह के अंदर चाहिए, मतलब आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि कब एडमिट कार्ड आएगा, तो आपको उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस भर देना है, फॉलो के अंदर अपना ईमेल एड्रेस भरना और सबमिट पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास कोई भी मैं पोस्ट न्यू जॉब रिगार्डिंग पे पोस्ट पब्लिश करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइस ये था आज की वीडियो का टॉपिक, मैंने ऑलरेडी आपको इट्स दैट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाई स्टेप दे दी गई है, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो गाइस लाइक कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।